गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कोनिचिवा, कौन बानवा, क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होगे। और आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम, और आपके फ्यूचर के लिए मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि आप हमेशा मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे और बिंदास हमेशा लाइफ को जीते रहे। यार ये वीडियो एक भाई के कमेंट पे बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली एक भाई है जो मुझे कमेंट किया था कि बोला था उसने कि मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यार ऐसा है कि जर्नी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अपने आप को कुछ टाइम के बाद देख रहा हूँ, अभी मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ। वो मजा आएगा नहीं मुझे बताने में और आपको सुनने में, और सुनने लोगों की भी तादाद ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी मजा आता है कुछ शेयर करने में। और मुझे लगता है कि अभी मुझे जितने भी लोग जानते हैं अभी उतने लोग सफिशियंट नहीं है। तो जब भी हमारी YouTube फैमिली बड़ी होगी, मुझे लगेगा कि अब बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और उस मेरी जर्नी से आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की जर्नी तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रहा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। वो है जापान से रिलेटेड, कि जब मैं आज से 3 साल पहले जब जापान आया था, तो मुझे यहाँ पे कैसे कैसे लोग मिले, कि जब मैं अपने फ्यूचर को लेकर फोकस रहता था तो उस फ्यूचर को मेरे तोड़ने के लिए यहाँ पे कैसे कैसे लोग मुझे मिलते थे, मुझे गालियाँ मिलती थी उसके पीछे। तो इस वीडियो से आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके सक्सेस में आड़े आते हैं, तो आप लोग ऐसे लोगों को कैसे इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि मैं बढ़ा, यही आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाजी में माशो, एक्चुअली मेरी एक कमी समझिए या फिर मेरी खूबी समझिए कि मेरी ना किसी से भी फ्रेंडशिप करने में बहुत जल्दी फ्रेंडशिप हो जाती है, बट फ्रेंडशिप उसी से होती है जिससे मुझे लगता है कि अगर मैं इससे इसके साथ फ्रेंडशिप करूँगा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ इससे गेन होगी जो कि मेरे फ्यूचर में काम आएगी। और जब मुझे लगता है कि इससे सिर्फ टाइम पास होना है, तो टाइम पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर ऐसे टाइम पास करोगे तो संगत का बहुत बड़ा असर होता है, तो फिर मैं ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता जिससे मुझे कहीं पे कुछ मिलने वाला नहीं होता, कोई नॉलेज मिलने वाली नहीं होती, तो नहीं करता मैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे उस टाइम पे आए थे, तो मैं सबको देखता था कि यार कोई भी अपने फ्यूचर को लेके ना वो एम नहीं था, किसी का कोई वो टारगेट नहीं था कि जो अच्छी जॉब करना चाहता हो, जिसके बड़े एम हो, सिर्फ एम था एक मनी, पैसे, पैसा कमाना। बट वो पैसे कैसे कमाते थे लोग, कि यार वही अरबाइतो पार्ट टाइम जॉब, उसके अलावा कुछ नहीं, किसी का कोई बड़ा टारगेट नहीं था। तो कुछ लोगों की तो यार मजबूरियां होती हैं कि एज ज़्यादा होती है, तो वो सोचने की जो क्षमता होती है वो लिमिटेड होती है। बट कुछ लोग ऐसे भी थे कि यार जो प्लस टू कर करके आए थे, वो भी मतलब जैसे वो भेड़ की चाल होती ना, वैसे ही चल रहे थे, और बाद में उनको उस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मैंने समझाया भी था कि यार ऐसा ना करो, क्योंकि अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ लाइफ में करना, बट नहीं हुआ। ठीक है, जिसको अपनी मर्जी से जो करता है अच्छा ही करता है। तो जब मुझे ऐसा लगा कि यार कोई किसी का कोई एम या टारगेट नहीं है, तो मैं किसी से बातचीत बहुत कम करता था। तो मैं बातचीत नहीं करता था, मैं किसी को पसंद नहीं करता था, ऑब्वियस सी बात है मुझे भी कोई पसंद नहीं करेगा। बहुत सी चीज़ें होती थी कि यार जैसे अपार्टमेंट वगैरह में रहते थे साथ में एक साथ, तो वहाँ पे सब लोग इकट्ठा पार्टी वार्टी करते थे, दारू वारू पीते थे, बहुत अच्छी बात है यार, पार्टी करना, फ्रेंडशिप करना, लोगों के साथ बैठना उठना बहुत अच्छी बात है। बट बात वहाँ पर ख़राब हो जाती है कि जब आप साथ में बैठ के दारू पी के और फिर लड़ाई करने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ, पुलिस आई रूम पे बहुत बार, तो मुझे बैड फील होता था, क्योंकि एक बंदे के पीछे पूरी कंट्री ख़राब होती थी। और जब कभी ऐसी बात आती है कि कभी मेरे सामने कोई मेरे कंट्री के बारे में बुरा बोले, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे लगता था कि यार इनसे दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं दूर रहता था। और मुझे तब भी गालियाँ मिलती थी जब मैं कोई यूट्यूब में वीडियो वगैरह डालता होता था, तो उसमें भी काफ़ी लोग मुझे गालियाँ देते थे कमेंट में आके। कमेंट में ही देंगे, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं होती कि कोई किसी के सामने दे सके। तो बहुत से ऐसे लोग मुझे कमेंट में गालियाँ देते थे कि ये तो इसके बस की कुछ बात नहीं है, ये सर वीडियो ही बना सकता है इसके बस का, क्योंकि मैं जॉब वगैरह भाई करता नहीं था, मतलब जो एक लीगली है उतना ही करता, तो उससे भी काम करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज मैं रूल्स फॉलो करता हूँ तो कल मैं कुछ बड़ी बिग अचीवमेंट कर सकता हूँ। क्योंकि एक रूल्स और रेगुलेशन ही होती है जो कि अपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती है, और जब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो तो आपकी कंट्री आगे बढ़ती है, या जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की लाइफ बढ़ती है। तो इसलिए मैं काम वगैरह नहीं करता था, क्योंकि मेरा एम, मेरा ड्रीम बिल्कुल क्लियर था।
तो उसमें मुझे बहुत से गालियाँ मिलती थी, लोग देते थे कि यार ये काम नहीं करता, बस इसके वीडियो बनाना रह गया है, ये किसी से बातचीत नहीं करता है, इसको तो साथ में बैठाना बेकार है। तो मुझे ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि जिसकी जिसनी जितनी सोच होती है, जितना बड़ा सोच सकता है वो उतना ही सोचता है, तो मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं। और मैं कभी मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत से इसमें भी गालियाँ मिलती थी कि जैसे मैं किसी के साथ उठता बैठता नहीं था, तो मुझे सारे लोग बोलते थे कि यार ये किसी के लायक नहीं है, ये नालायक है, इसको बैठाना उठाना बेकार है। तो मैं भी किसी के साथ नहीं बैठता था, वो इसलिए कि मुझे पता था कि मेरे लिए कौन लायक है, मेरे लिए कौन नालायक है। तो मैं भी कभी किसी के साथ इतना फ्रेंडशिप या कभी किसी से इतना क्लोज हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि क्लोज होके नतीजा क्या होने वाला है। और यहाँ पे ना एक फेसबुक ग्रुप था जो कि सारे इंडियंस थे, उसमें काफी ज्यादा लोग थे। तो मैं एक्चुअली कभी भी अपने वीडियो का लिंक ऐसे ग्रुप वगैरह में शेयर करता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि उसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन एक बार क्या हुआ था, पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आया, वो इसलिए आ गया था एक्चुअली, स्कूल जब खत्म हुआ था तो उसकी मैंने एक वीडियो शूट करी थी फेयरवेल पार्टी वगैरह की। तो मुझे लगा कि यार इस लिंक इस वीडियो को बना के लिंक शेयर कर देता हूं, उससे ये होगा, मेरी सोच थी कि स्कूल वगैरह स्टडी खत्म होती है तो कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो यार दोस्तों सब बन ही जाते। तो मुझे ये था कि यार मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको कनेक्ट करके रखूंगा, जब भी कोई वीडियो देखेगा तो उसको ये होगा कि यार चलो हमने एक साथ यहाँ पे ऐसा टाइम गुजारा था। लेकिन उसका लोगों ने गलत मतलब निकाल के और मुझे गालियाँ देने लगे कि तू स्कूल का टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया है, और तू हमारी जाके कंप्लेंट करता है स्कूल में। हालांकि मैं कभी भी कंप्लेंट किसी की नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए स्कूल कभी ना तो बहुत अच्छा था ना ही बहुत खराब था। जो स्कूल से चाहिए होती थी स्टडी वो मिल रही थी, और जो कभी कभार मेरी रिक्वायरमेंट जो होती थी तो मैं अपने तरीके से करवा लेता था, उसमें भी लोग बोलते थे कि ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, बट जिसकी जहाँ तक सोच वहीं तक सोचता है। तो मैंने फिर ग्रुप से एग्जिट किया, और वीडियो लिंक पता नहीं पड़ा होगा, देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे पता नहीं, बट कभी याद करेंगे। तो उनमें से बता दूँ जितने भी लोग थे गालियाँ दिया या जो भी है, आज बता दूँ कि सब कहीं ना कहीं पे ऐसी जॉब कर रहे हैं कि कोई रिसाइकिल बिन की शॉप में काम कर रहा है, जूठी बोतलें उठा रहा है, तो कोई गद्दे को साफ कर रहा है जो होटलों के रेस्टोरेंट के गद्दे होते हैं, सब कोई ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही करना था, जिनका कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं, कोई ड्रीम नहीं है, तो फिर ऐसे ही काम मिलते हैं। देखो यार हर बंदा गलत नहीं होता, पर जब एक गलत बंदे के साथ कोई गलत संगति कर लेता है ना, तो फिर सबको लगता है कि ये भी सब गलत हैं। तो उनमें से कुछ अच्छे भी लोग थे जो कि आज मुझे कॉल करते हैं, मेरे से कनेक्टेड हैं, कि मुझे कॉल करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यार ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि 2-3 साल पहले से जो आया हो और जो हमारे ग्रुप में आया हो, कि जो कि एक अच्छी जॉब कर रहा हो, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा हो, मुझे बोलते कि एक पहला तू लड़का है कि जो ऑफिस में और एक अच्छी जॉब कर रहा है, रेपुटेटेड कंपनी के साथ साथ रेपुटेशन भी अच्छी जॉब कर रहा है। तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं अब फ़ोन करके। और कुछ टाइम पहले भी ऐसा था कि जब मैंने थोड़े से अपनी स्टडी और जब मेरा वो बढ़ाया, तो मैंने एक अपना रिज्यूम बनाया था, तो रिज्यूम में मैंने काफ़ी टाइम लिया था। तो जब मैंने रिज्यूम बनाना सीख गया था, तो मैं फेसबुक वगैरह में स्टोरी डाल देता था कि अगर किसी को रिज्यूम वगैरह बनवाना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसका रिज्यूम बनाऊंगा। तो मुझे काफ़ी सारे वहाँ पे जो गालियाँ देते थे उनसे भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी। मैं उनका रिज्यूम बना भी देता था, बट उसके मैं चार्ज करता था। अगर अपने कभी किसी के सामने अगर अपनी इमेज बनानी है ना, तो जो भी आपके अंदर स्किल है उसके जब आप चार्ज करोगे तो आपकी इज्जत हमेशा बनी रहेगी। If you're good at something, never do it for free. और यार अपने आप को जब तक सही मत समझना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, कि जब तक आपको चार लोगों से गालियां ना मिलने लगे, जब आपको चार लोगों से गालियां मिलने लगे ना, तब आप समझ लेना कि हाँ बेटा सही ट्रैक में है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो लोग मुझे पहले गालियां देते थे, आज वही कॉल करके रिस्पेक्टफुल से बात करते हैं, सर जी बोलते हैं, और जो भी काम उनका अटकता है, तो काफ़ी लोगों का मैं काम हेल्प भी करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पहले से नेचर रहा है और आज भी कर देता हूँ सब कुछ भुला के, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोगों से मुझे गालियाँ मिलती थी, जो हेट मिलती थी, वो स्ट्रगल मेरी बहुत बड़ी थी और उसको भी मैंने झेल के आगे बढ़ा है। तो मैं हमेशा जो अपने महान व्यक्ति रतन टाटा जी हैं उनकी 3 बातें हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उनकी 3 बातें फॉलो करना चाहिए। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात वो बोलते हैं कि लाइफ में अप्स और डाउन्स हमेशा आने चाहिए, क्योंकि सीधी लाइन का भी चलना ECG में मरने के समान होता है। दूसरी बात बोलते हैं कि लाइफ को इतना गंभीर मत बनाओ, वो उतनी गंभीर है नहीं है, सिर्फ रिलैक्स करो और मोमेंट को एंजॉय करो। तीसरी बात, जब कभी कोई आपके ऊपर पत्थर मारे तो उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उसे एक प्यारा सा सुंदर सा एक महल बनाने की कोशिश करो। तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना।
ये तीन बातों को फॉलो करोगे, सच में कहता हूँ अपन लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, जैसे कि मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ा हूँ। तो गाइज इस वीडियो में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और जिनको वीडियो अच्छी लगा है वीडियो को लाइक करके जाना, जिनको अच्छी नहीं लगा है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कि मुझे यहाँ से मेरे वीडियोस देखते हैं, वो शायद इसलिए देखते हैं मुझे गाली देना चाहते हैं या नॉलेज लेने के लिए, आई डोंट नो। बट अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आया, जिनको गाली देना है, जो आप पहले करते थे आज अभी भी कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।